सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मंगलवार को लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान अपनी बात रखी। उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बजट में यूपी के लिए कुछ भी नहीं है, इस सरकार ने प्रदेश में एक एक्सप्रेसवे नहीं बनाया। अखिलेश ने अग्निपथ योजना को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। सपा जब इस मुद्दे पर सरकार पर हमला कर रहे थे तब पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने उन्हें टोका, हालांकि अखिलेश ने भी जवाब दिया। दोनों के बीच इस दौरान बहस हुई। पहले जान लेते हैं कि अखिलेश यादव ने बजट पर क्या बोला। सपा प्रमुख ने कहा कि 11वें बजट के बाद भी नाउम्मीद ही दिखाई दे रही है। 11वें बजट में रोजगार, युवाओं के लिए, गांव के लिए और उनकी तकलीफ का मुद्दा नहीं दिख रहा है। महंगाई में लोगों का घर चलना मुश्किल हो रहा है। अगर 10 साल में सब कुछ अच्छा है तो आप हंगर इंडेक्स में कहां खड़े हैं? आपने बड़ा सपना दिखाया, यूपी में कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं मिला। हमें पीएम मिले, प्रदेश में शिक्षा के लिए एक काम नहीं हुआ। जो एम्स बने हैं क्या उनमें इलाज मिल पा रहा है? अखिलेश यादव ने कहा कि नौकरियां कम हो रही हैं, युवा बेरोजगार हैं, एक्सपोर्ट क्यों कम होते चले जा रहे हैं? 10 साल में हम वही के वही खड़े हैं। अगर सरकार ने सब अच्छा किया होता तो नतीजे ऐसे आए हुए होते क्या? ये हारे ही नहीं है, लाखों वोटों से हारे हैं। सपा प्रमुख ने आगे कहा कि मुझे याद है कि पीएम मोदी ने जनकपुर में एक झंडा दिखाया और उस बस में 35 लोग बैठकर अयोध्या आए थे। मैंने मांग की थी जनकपुर से अयोध्या तक एक्सप्रेसवे बने। सपा नेता ने कहा कि यूपी को 1% से ज्यादा एफडीआई नहीं मिला, प्रोजेक्ट लेट हो रहे हैं, दिल्ली और लखनऊ दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, इसका जिम्मेदार कौन है? आज ही एक और रेल हादसा हुआ, ऐसा लग रहा है कि पेपर लीक और रेल हादसे में कंपटीशन चल रहा है, कौन आगे निकलेगा? अखिलेश ने कहा कि पीएम मोदी एयरफोर्स का सबसे बड़ा विमान हरक्यूलिस को लेकर एक्सप्रेसवे पर उतरे थे, पर सभी को पता है कि उस एक्सप्रेसवे को किसने बनवाया था? उसे सपा ने बनवाया था। इस सरकार ने पैकेज दिया है, इस सरकार ने यूपी में एक भी एक्सप्रेसवे नहीं बनवाया। अखिलेश यादव ने कहा कि जो सरकार मंचों से कहती थी कि किसानों की आय दुगनी कर देंगे, 11 साल हो गए, क्या किसानों की आय डबल हो गई? इस सरकार ने एक भी मंडी नहीं बनाई है। और शायद सरकार में बैठे लोगों को ये बात याद होगी, क्योंकि सरकार खुद स्वीकार करती है स्कीम ठीक नहीं है, तभी वो अपनी अपनी सरकारों से कह रहे हैं कि अग्निवीर वाले जो लौट करके आएंगे उन्हें कोटा दीजिए, आप नौकरी दीजिए। सभापति महोदय, मैं बैठ जाता हूं, आप खड़े होकर कह दीजिए अग्निवीर व्यवस्था अच्छी है। मैं इस सभा में खड़े होकर कहता हूं उस राज्य से, तो हिमाचल प्रदेश से, जिसने पहला परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा दिए, कारगिल के युद्ध में सबसे ज्यादा शहीद होने वाले हिमाचल प्रदेश के वीर नौजवान थे, 4 परमवीर चक्र विजेता हुए, उसमें से 2 कैप्टन विक्रम बत्रा और सूबेदार संजय कुमार हिमाचल प्रदेश से हुए। और मैं कहता हूं, जी हां, जो लंबे समय से मांग थी वन रैंक वन पेंशन की किसी सरकार ने पूरी नहीं की, वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने यहां पर पूरी की है। और मैं एक बात और कहता हूं, अखिलेश यादव जी सुन ले, अग्निवीर में 100% एम्प्लॉयमेंट की गारंटी है और रहेगी। माननीय सुधा साहब अपनी बात। सभापति महोदय, जो मैंने बहुत छोटा सवाल पूछा था, मैं दूसरी बात कहता हूं, अगर ये जो बात आप कह रहे हो तो आपको जरूरत क्यों पड़ रही कि आपको उत्तर प्रदेश में और प्रदेशों में कोटा देना पड़ रहा है 10%? सभापति महोदय, जहां तक रुक जाइए, अरे सुनिए ना, चेल जानते हैं आप कहाँ हैं? कभी गए हो उस मिलिट्री स्कूल में? मैं खुद मिलिट्री स्कूल का पढ़ा हूँ, और आप परमवीर चक्र की बात कर रहे हो तो हम भी तमाम नाम गिना सकते हैं। माननीय परमवीर चक्र आग्रह कर रही हूँ, आपस में चर्चा ना करें। ये सभापति महोदय, ये सभापति महोदय, जी जी, मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, ये तो केवल मिलिट्री स्कूल के हैं, मैं आज भी टेरिटोरियल आर्मी के 124 रेजिमेंट में कैप्टन के रैंक पे अपनी सेवाएं दे रहा हूं। अखिलेश जी, केवल ज्ञान मत बांटिए, राहुल गांधी जी के साथ बैठकर अब वाहें बनाने का झूठ बोलने की प्लीज बैठिए। सभापति महोदय, मैं इसलिए नहीं कह रहा, मैं क्या बात कहना चाहता हूं, शायद मंत्री जी नहीं रहे इसलिए तकलीफ परेशानी ज्यादा है, और आप हमारा दर्द नहीं समझोगे, हम आपका दर्द
चेहरे से पढ़ते हैं। अच्छा दर्द मैं बताता हूँ, दर्द मैं बताता हूँ, माननीय सदस्यों से मैं आग्रह कर रही हूँ, सभापति महोदया दर्द मैं बताता हूँ, दर्द में बताता हूँ, बजट पर चर्चा करिए माननीय प्लीज, बजट पर सभापति जी दर्द में बताता हूँ, देखिए दर्द बात पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। सभापति महोदया उत्तर प्रदेश से जब से हारे हैं तब से कोई नमस्कार नहीं कर रहा है, तकलीफ वो है आपको। कंप्लीट करिए, वीडियो हमने देखा है कि कोई किसी को नमस्कार नहीं कर रहा है, कोई किसी को देख नहीं रहा है। चलिए धन्यवाद धन्यवाद माननीय। और जो अपने आप को बहुत ताकतवर कहते थे, बहुत ताकतवर कहते थे आप अपने आप को, जिसने हराया उसको नहीं ये हटा पा रहे हैं। अब बात समझ में नहीं आई ना माननीय, जिसने हराया उसको नहीं हटा पा रहे। और अगर सभापति महोदय अग्निवीर व्यवस्था समाजवादी लोग स्वीकार ही नहीं कर सकते, बजट पर पूरे अपनी बात रखिए, सभापति महोदय अग्निवीर स्वीकार नहीं कर सकते, आप अपनी जब भी सत्ता में आएंगे साल दो साल, ये चलने वाली सरकार नहीं है, गिरने वाली सरकार है, याद रखना आप माननीय सदस्य। और देखिए आप क्यों नहीं समझ रहे हो, साइकिल हमारा चुनाव चिन्ह है, साइकिल ही आपको सरकार चलवा रही है, जिस दिन साइकिल हट गई आप कहां बैठे मिलोगे।